सर, सर जैसे यूथ आप जो काफी इन्वॉल्व हो रहे हैं इसको लेकर, मतलब ड्रेस की चपेट में आ रहा है, और दुश्मन देश चाहते ही यही है कि जो है वो भारत का जो यूथ है उसको बर्बाद किया जाए, तो ऐसे में सर पुलिस के और क्या प्रयास रहेंगे कि भाई इसको कंट्रोल करेंगे? हाँ, ये दो तरफ हमारे कोशिश रहे हैं। पहला जैसे देख रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी नशे वाले चीजें देख रहे हैं उसको हम रोकें। इसमें यह है कि आप जैसे आपको पता है कि हमारा ये इलाका पुंछ है, इसमें हमारे दुश्मन देश की तरफ से कोई साजिश रहती है कि यहाँ से नशे के कारोबार के, नशे के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई ना कई एफर्ट्स रहता है कि कुछ नारकोटिक्स को स्मगल करने की कोशिश की जाती रही है। इसे काउंटर करने के लिए जिला पुलिस पुंछ, जे एंड के पुलिस, हमारी आर्मी और डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हम एक सिनर्जी रहते हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं, ताकि टाइम टू टाइम डिफरेंट एरियाज में स्कैनिंग कॉम्बिंग चलती रहे, सर्च पे चलते रहें और हमें इसमें सफलता मिले। इसी अस्ना के दौरान, इसी सिलसिले के दौरान आज एक ऐसे सर्च ऑपरेशन के दौरान जिसको हमारे ऑफिसर लीड कर रहे थे, हमें जनरल एरिया बालाकोट से तकरीबन 15 किलो क्रीम नारकोटिक्स रिकवर हुआ है, जिसमें हम एफ आई आर लगा के आगे कार्रवाई कर रहे हैं, और उसमें जो भी उसके कोई लिंकेजेज होंगे, जो उसमें आगे के कुछ क्लोज होंगे, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। हम इसको रोल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज का बड़ा यकीन दहानी करता हूँ कि हमारी एलओसी पर जो फोर्सेस हैं, हमारी इंडियन आर्मी है, हमारे पैरामिलिट्रीज हैं, हमारे जो जेएनके पुलिस है, हमारे जो एसओजी कंपोनेंट है, हमारे थाने की, हमारे बॉर्डर पुलिस फोर्स हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, और हम अगर कोई ऐसी साजिश करें भी हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर खासकर जो हमारे लोग इस चीजों को देखते हैं, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल मैं दो चीजों में से बात करूंगा। एक, आपके आसपास अगर कोई नशा बेचता पाया जा रहा है उसके बारे में हमें बताएं और आपकी पहचान टोटली सीक्रेट गुप्त रखी जाएगी। और दूसरी बात, जो बच्चे इस बवाल में फंस चुके हैं उनके पेरेंट्स के लिए मेरा ओपन इनविटेशन है, एसडीपीओ साहब के पास है, मेरे पास है, एसएचओ साहब के पास है, हम उनके बच्चों को खुद गाड़ी देंगे, जम्मू लेकर उनका इलाज करवाएंगे, काउंसलिंग करवाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चे को इस बवाल में फंसा हुआ है, इस चीज को छुपाए मत, खुल के सामने है। 15 किलो की क्रीम है,